नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। अभी हम हैं किच्ची गुड फार्म पर जो कि कड़ेल में है और इनकी कुछ बकरियां हम जो है देखने वाले हैं सिरोही की और स्पॉटेड में है, कुछ राता कलर में है, बहुत बेहतरीन कलेक्शन है ये। अब ये बकरियाँ देखिए और फिर इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या रेट होने वाले हैं, क्या वजन में है और अभी ये जो बकरियाँ खड़ी हुई हैं इनमें कितनी प्रेग्नेंट हैं या कितनी बच्चे वाली हैं, क्योंकि ये अभी बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से और इन बकरियों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो भाई स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। मेरा फार्म का नाम है खिची गोट फार्म, राजस्थान अजमेर वाया पुष्कर विलेज कड़ेल। अच्छा, तो अभी आज क्या दिखाने वाले हैं? आज मैं दिखाऊंगा आपको सिरोही बकरी, बच्चे वाली और प्रेग्नेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए कुछ बकरियां आपके देखते हैं जी। ये सिरोही पट है जो कि करीबन प्रेग्नेंट है अजमेरी पैटर्न में। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अभी क्या दांत पे होगी भाई? ये दो दांत है, अदंत है अभी तो। अभी तो अदंत है, पट है अभी। और क्रॉस करा दी क्या आपने? नहीं अभी तक करवाई नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से कवर करता हूँ। अब फ्रेम देखिए उसका, बहुत बेहतरीन लग रहा है। कलर आप देखिए, कलर बहुत शानदार है। और ये जो वाइटनेस है कान की अजमेरी पैटर्न में, बहुत बढ़िया लग रही है। क्या वजन पे होगी भाई? ये करीबन 35 किलो की है। 35 किलो की? हाँ। बहुत बढ़िया। कितने महीने की होगी ये? यही करीबन 7-8 महीने की है। तो अभी प्रेग्नेंट तो नहीं होगी? नहीं अभी प्रेग्नेंट नहीं है। चलो, ये जैसे सामने ये खड़ी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये प्रेग्नेंट बकरी है। ये कितने दांत पे है, दांत दिखाएंगे? ये 4 दांत है अभी तो। बिल्कुल। क्या वजन होगा इसका? इसका वजन है 40 केजी, 40 से 50। 40 से 50 किलो का। हाँ। लद्दाख आग भी इसकी देखिए, बहुत बढ़िया। ये बच्चा इसी का है क्या? नहीं नहीं, बच्चे से नहीं है, प्रेग्नेंट है, दूसरी बकरी का बच्चा है। चलिए जैसे ये बच्चे वाली खड़ी है, ये इसके बच्चे वाली है अभी। हाँ। ये क्या वजन पे होगी? इनका वजन है करीबन ये 50 से 60 किलो के बीच में। अच्छा। हाँ। ये अभी इसी के दो बच्चे आप देखिए, कितने दिनों के हैं भाई ये बच्चे? ये तो अभी 2-3 दिन के हैं। 2-3 दिन ही हुए हैं ना? हाँ। बच्चे दिए हुए। तो जैसे बच्चे वाली बकरी रहती है तो उसमें आप बच्चा भी इंक्लूड करते हैं कि केवल बकरी? नहीं नहीं दोनों ही, मतलब बच्चा उसी के साथ तोलता है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, और ये एक सिरोही मेल है ब्रीडर। हाँ हाँ। ये कितने दिनों का होगा बच्चा? ये करीबन 5 से 6 महीने के बीच में। क्या वजन पे होगा भाई? इसका वजन है 30 किलो। 30 किलो? हाँ। बहुत बढ़िया। कुछ इस तरफ बकरियों और ये बकरियों के लिए ब्रीडर रखा हुआ है। हाँ हाँ, इसको थोड़ा घुमाओ के लिए। बहुत बढ़िया। ये कितने दांत पे है? ये भी अदंत बच्चे है। अदंत है? हाँ, 10 महीने का है। क्या वजन पे होगा ये? वजन यही है 35 से 40 किलो के बीच में। जैसे ये मेल है। हाँ। और कुछ और एक दो मेल खड़े हैं जी, तो इनका क्या रेट रहता है भाई? मेल का 250 रुपये किलो है। 250 रुपये? हाँ मेल का। हाँ मेल का। चलिए, और पट्टी से भी हिसाब से, पट्टी के हिसाब से भी रहता है। जैसे क्या ये कितने वजन पे होगा? इसका वजन है 40 किलो। तो क्या पट्टी पे आ जाएगा? 10,000 रुपये का। 10,000-12,000 में? हाँ आराम से आ जाएगा। चलिए कुछ और यहाँ पे जो बकरियाँ खड़ी हैं इनको देखते हैं। एक ये सिरोही बकरी, ये भी प्रेग्नेंट है जी। ये बड़े फ्रेम की बकरी है ना? हाँ। क्या वजन होगा इसका? 60 किलो है। 60 किलो? हाँ बिल्कुल। इनका क्या रेट रखा है भाई आपने? इनका किलो के हिसाब से 230 रुपये किलो है। 230 रुपये किलो? हाँ। और जो पट्टी के हिसाब ले रहा था, पट्टी के हिसाब से भी दे देंगे। ये जैसे 60 किलो की बकरी है, ये क्या पट्टी पर बैठेगी? ये करीब 12 से 15 हज़ार के बीच में। अच्छा। हाँ। एक ये है बड़े फ्रेम की बकरी, इसको थोड़ा सा बताएं जी। ये प्रेग्नेंट है। ये भी प्रेग्नेंट है जी। तो ये क्या वजन पे होगी? यही करीबन 60 से 70 किलो के बीच में। चलिए जी। कुछ ये और बच्चे वाली बकरी है।
जिसका एक बच्चे साथ में, इसके साथ एक ही बच्चा है। हाँ, ये फर्स्ट बार भी आते हो? फर्स्ट भी आते हैं। दांत दिखाओगे भाई? दांत चार या छह दांत है। छह दांत से ऊपर है जी। क्या वजन पे होगी ये? ये 40 से 50 किलो के बीच में। 40 से 50 किलो के बीच में जी। बढ़िया। जैसे ये पार्ट है, ये खड़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये पट है करीबन, ये अपना 10 महीने की प्रेग्नेंट में आ गई है। क्रॉस हो गई है? नहीं, अभी हुई नहीं, अब कराने में। अब कराना है? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब सारी लगभग जो बकरियां हैं वो अभी प्रेग्नेंट हैं, कुछ बच्चे दी हुई हैं, है ना? जी जी। तो ये बताओ मुझे, जैसे अगर हम फाइनल रेट रखें, तो छोटे बच्चे हैं और फीमेल भी हैं, हाँ। बच्चे वाली बकरियां हैं, तो इनका क्या रेट रहेगा? तो वो बड़ी बकरी का, जो प्रेग्नेंट बकरी का 230 है, बच्चे वाली का 250 है। अगर प्रेग्नेंट बकरी लोगे आप तो करीबन अच्छी से अच्छी आ जाएगी आपके 13 से 15 हज़ार रुपये के बीच में। अच्छा, हाँ, बढ़िया जी। और मेल का आपने क्या बताया? मेल का, हाँ, 20 किलो का बकरा आपको पड़ेगा 5,000 रुपये का। और कुछ फीमेल भी है छोटी पट्ठे जी, ये करीबन 20 किलो की, ये पड़ेगी आपके 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये? हाँ। बहुत बढ़िया जी। आप ये देखिए, 5,000 रुपये में ये बकरी आ जाएगी। 20 किलो लमसम वेट? हाँ, वजन 20 किलो है। बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो जैसे भाई बाहर से कोई आता है तो क्या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहती है? करीबन 10 से ऊपर। हाँ, और एक दो वाले को हम देते भी नहीं है, उसको लिए वो है नहीं, उनके लिए गाड़ी वगैरह की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। करीबन 10-20 लोग है, तो उसमें महिंद्रा बोलेरो पिक का भी सुविधा हो सकती है। और उसका चार्ज क्या रहता है? महिंद्रा बोलेरो पिकअप का 14 रुपये किलोमीटर, और टोल टैक्स पुलिस खर्चा बॉर्डर टैक्स अपना रहेगा तो 18 रुपये किलोमीटर का लगेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो की बकरियाँ और बकरे आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आए तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।